आयशा के आने के बाद मुनावर और मनारा की दोस्ती में काफी चेंजेस बदला हुआ है। हाल ही में जो हुआ सबने देखा, आप वो दोस्ती पे और हाल ही में जो हुआ इंसिडेंट उस पे क्या कहना चाहोगे? आयशा के आने के बाद मुनव्वर और मनारा की दोस्ती में चेंजेस आए, वो बढ़ गए चेंजेस, पर चेंजेस पहले आ चुके थे, है ना? क्योंकि कई बार मुनव्वर को ये फीडबैक मिला गया था वीकेंड के बाहर पे, दैट हट जाओ, आगे बढ़ो, मत करो, ये तुम अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कहाँ खड़े रहते हैं। तो ऑलरेडी मुनव्वर को थोड़ा वो एक था कि और मुनव्वर ने बनाने के लिए रिश्ते नहीं बनाए थे, गेम के लिए, व्हाट आई मीन, उसने ऑर्गेनिक के लिए बनाए थे। अब हाँ, ये हो सकता है कि किसी के साथ 1-10 मिनट का रिश्ता है, किसी के साथ 1 घंटे का रिश्ता है। कहने का मतलब ये कि मैं शायद इस इंसान के साथ 10 मिनट तक बात कर सकती हूँ, बट इसके साथ ना मैं घंटा भर भी बैठ के चर्चा में लगी रह सकती हूँ। तो मुनव्वर के रिश्ते फेक नहीं थे, बट मुनव्वर और मनारा के बीच में ऑलरेडी थोड़े थोड़े वो डिस्टेंस आ रहा था, क्योंकि दिस वॉज द फीडबैक गिवन टू मुनव्वर, राइट? और उस दौरान आयशा आ गई, तो अब वो पहले अपनी जिंदगी को सही करे कि मनारा को वो अटेंशन दे, बट मनारा बीइंग मनारा उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए, क्योंकि दोस्ती उसके लिए वही है कि आप मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, अब मेरा फन कौन करेगा मैम, अब मैं बात किससे करूंगी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मनारा मैं तेरे साथ 4 घंटे बात नहीं कर सकती, मैं 1 घंटा बात कर सकती हूँ, यू नो एज अ फ्रेंड दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू, बट वो जो तेरा फन, तेरी वाइब, तेरी ट्राइब है भैया, मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगी, तो दैट यू सी।